आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पार्ट फोर में पढ़ रहे हैं ठीक है इसमें पढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ रेज के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल जा रही है ठीक है तो जब भी वो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी ठीक है हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है फोकस क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ठीक है ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी अब चाहे वो कॉन मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो तो दोनों के एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं ठीक है तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे सेकेंड थिंग हम ये याद रखेंगे कि जब भी कोई रे फोकस से जाएगी कहाँ से जाएगी जब भी कोई रे फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी यानी कि प्रिंसिपल के प्रिंसिपल हो जाएगी तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि जब भी कोई रे पैरल टू प्रिंसिपल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पर फोकस से होकर जाएगी और अगर इसी तरीके से हमने पढ़ा कि अगर कोई रे फोकस से होकर जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरल हो जाएगी ठीक है थर्ड रे के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि थर्ड रे जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है कहाँ से जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सेंटर ऑफ द स्फीयर जिसका ये पार्ट था जिसका ये हमारा मिरर पार्ट है उसी का ये सेंटर है ठीक है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है ठीक है तो उसका रीज़न क्या होता है उसका रीज़न हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी किसी सर्किल पर या स्फीयर पर हम टच करते हैं तो टच करने के बाद हम देखते हैं कि सेंटर और जो रेडियस होती है हमारी वो हमारे स्टेट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है कितने का एंगल बनाती है 90 डिग्री का तो अब क्योंकि इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री हो गया जीरो नाइन्टी डि डिग्री का नॉर्मल बन गया हमारा तो हमारा इंसिडेंट एंगल कितना हो चुका है इंसिडेंट एंगल हमारा ज़ीरो हो चुका है तो अगर इंसिडेंट एंगल जीरो है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा हमारा वो भी हमारा ज़ीरो होगा तो इस कंडीशन हम देखते हैं कि जिस पास से लाइट गई है उसी पास से वापस आ जाती है चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव कॉन्केव में हम ज्यादातर क्या देख रहे हैं कि हमें फोकस पर जो लाइट जा, जा रही है वो अपियर हो रही है और इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी जो लाइट जा रही है वो अपियर हो रही है रेल में नहीं पहुंच पा रही ठीक है तो ये हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव के अंदर हो गया तो थर्ड रे के बारे में हमने इस तरीके से पढ़ लिया इसी तरीके से फोर्थ रे के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई रे पोल पर आकर गिरेगी कहाँ इंसिडेंट होगी पोल पर आकर गिरेगी तो वो इंसिडेंट एंगल प्रिंसिपल एक्सेस के साथ में जो बनाएगी तो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगी रिफ्रैक्टेड रे रे जो बनाएगी तो वो दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे यानी इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर होगा जब भी लाइट कहाँ आकर इंसिडेंट होगी पोल पर आकर इंसिडेंट होगी ठीक है तो ये चार रे अगर हम लोगों के हमको हमको अच्छी तरीके से आती है तो हमें इमेज फॉर्मेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो कॉन्केव मिरर में हम लोग देखते हैं कि कॉन्केव मिरर छह पोजीशन पे इमेज बनाता है कौन कौन सी पोजीशन में बनाता है तो अगर मैं थोड़ा सा बैक बैक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारा कॉन्केव मिरर के लिए सिक्स पोजिशन एक तो हो गया इन्फिनिटी पर दूसरा हो गया इन्फिनिटी और कॉन्केव के बीच में भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट तीसरा पोजीशन हमारे पास है कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें चौथी पोजीशन हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें पांचवी पोजीशन हमारे पास है फोकस और पोल के बीच में रख दें और चौथी हमारे छठ लास्ट पोजीशन है हम फोकस पर रख दें ठीक है तो ये हमारे पास सिक्स पोजीशन मौजूद है कि इफिनिटी पर रखें इन्फिनिटी और सेंटर और कर्वेचर के बीच में रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें फोकस पर रखें फोकस और पोल के बीच में रखें इस तरीके से छः जगह हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं तो छह जगह से हमें इमेज अलग अलग टाइप की देखने को मिलेगी ठीक है तो ये हमारा सिक्स टाइप की इमेजेस बनेगी अब सबसे पहले हम कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा इमेज बनाने का वही जो हम पहले टारगेट पढ़ते हुए आने की पहली रे हम हँ भेजेंगे पहली रे को हमने भेजा इसका कहाँ पर पोल पर तो जब कोई रे पोल पर आकर इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आर एंगल बनाएगी और इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा ये चीज़ हम जानते हैं दूसरी रे हमने कहाँ से भेजी सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंड करी तो जब इमेज की दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी कहाँ से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे के बारे में हम देखते हैं अभी ठीक है तो जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी हम्म तो जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो आप देख रहे हैं ये जो रे जा रही है जिस पाथ पे जा रही है उसी पाथ पे वापस आ रही है और जब कोई रे इंसीडेंट आ रही है पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आई और आर दोनों एंगल हमारे कैसे हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन के अंदर इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है ठीक है इस तरीके से दोनों रे जाती हैं तो जब हम बैक साइड से आई को रखकर देखते हैं अपनी तो हमें क्या लगता है हमें लगता है कि किसी पॉइंट ए से लाइट आ रही है कहाँ से आ रही है किसी पॉइंट ए से लाइट आ रही है तो वहाँ पर हमें वहाँ पर हमारा क्या बनता है ऑब्जेक्ट बनता है जहाँ पर लाइन कट करती है वहाँ पर क्या बनता है हमारा ऑब्जेक्ट बनता है अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे बना है हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना होगा ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ठीक है दूसरी बात हम ये याद रखेंगे कि कहाँ बन रहा है मिरर के पीछे बन रहा है तीसरी बात ये सीधा बन रहा है सीधे को कहते हैं मरेक्ट तो ये सीधा बन रहा है और इसका साइज जो है लार्ज है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बड़ा नजर आ रहा है तो ये सारी की सारी क्वालिटी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी क्वालिटी हमें इसके बारे में देखने को मिलती है ठीक है फिर हम आगे चलते हैं आगे जाते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं आपके कमारा ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्जेक्ट एट द फोकस ऑब्जेक्ट को कहां रखा हमने जब हमने फोकस पर रखा तो जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हम क्या देखते हैं ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ फोकस जो है किस तरीके से लाइन डाल डाले देखो सबसे पहले रे हमने डाली पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस जब वो पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस डाली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी तो हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं जब भी कोई रे पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है फोकस से जाती है ठीक है तो फोकस से चली गई उसके बाद अगर हम देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे डालेंगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी दोनों रे को जब हम आगे लेके जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों रे आपस में पैरल हैं अगर दोनों रे पैरल हैं तो वो आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी अगर वो कट नहीं करेंगी तो वो कट रियल में करेंगी कहां तो भाई हम मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पर कट करेंगे इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा तो उसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी इन्फिनिटी पर मिलेगी ठीक है इसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस ऑफ और एंड सेंटर ऑफ के बीच में रखा हुआ है ठीक है कहा रखा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है तो उसमें देखते हैं हम लोग कि हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहली रे हमने कहाँ से डाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी फोकस से जाएगी जो हमने पहले पढ़ लिया है दूसरी रे कहाँ से सेंड कर रहे हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर रहे हैं तो वापस भी कहाँ से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी जहाँ पर जाकर वो दोनों रे कट करती है वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा तो आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश पर हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है अब इस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी क्या देखते हैं पहली बात हमें दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ इन फ्रंट ऑफ द मिरर है कौन के मिरर के सामने बन रहा है ठीक है तो ये दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि ये उल्टा बन रहा है यानी कि ये इन्वर्टेड बन रहा है कैसा बन रहा है ये इन्वर्टेड है तीसरी बात हम याद रखेंगे रियल है क्योंकि इसको हम कहाँ ले सकते हैं अगर यहाँ पर कोई स्क्रीन लाकर रख दें हम तो ये हमें स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा तो इसलिए हम ये याद रखेंगे कि वो रियल बनता है और साइज उसका लार्जर देन किससे होता है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है हमारा साइज़ ठीक है तो हमने ये बात याद रखी कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें इमेज उल्टी दिखाई देती है रियल मिलती है और बड़ी मिलती है साइज से ठीक है उसके बाद फोर्थ पोजिशन में हम क्या देखते हैं फोर्थ पोजीशन पर हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले वही पैरेलल टू प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स रेज डालेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी फोकस से जाएगी दूसरी रे को हमने कहाँ से डाला फोकस से डाला आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी अब ये दोनों रेज जो है जहाँ पर कट करती हैं वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है अब ये कट कहाँ करती है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही कट करती हैं तो हमें क्या देख रहा है नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है ए डैश बी डैश पर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है ठीक है अब ये ऑब्जेक्ट बना का है सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है दूसरी बात हम याद रखेंगे इसका साइज और इमेज ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज यहाँ पर दोनों के साइज बराबर होते हैं यानी इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनी है अगली बात जो हम याद रखते हैं कि दोनों का साइज भी बराबर है और ये रियल इमेज है क्योंकि ये बिफोर द मिरर बन रही है मिरर के सामने बन रही है इसलिए ये इमेज कैसी है ये इमेज हमारी रियल इमेज है इसको हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं ठीक है तो ये फोर्थ इमेज हो गई फिफ्थ इमेज की बात हम करते हैं तो पांचवी इमेज हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे कहीं रखा हुआ है तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा हुआ है तो हमने वही फर्स्ट वाली रे को सेंड करा पहली वाली रे कैसी भेजी हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल ऐसे एसेस भेजी जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी तो वो फोकस से पास होगी दूसरी रे को हमने कहाँ से सेंड करा सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंड करा तो दोनों ने आकर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कट करा जहाँ पर कट करा वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया तो ए डैश बी डैश हमें ऑब्जेक्ट मिल गया कहाँ मिला है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में मिला है अब इसकी कुछ क्वालिटीज़ पढ़ते हैं इमेज के बारे में तो इमेज की पहली क्वालिटी है कि ये इमेज हमें देखने में मिल रही है कि बिफोर द मिरर बन रही है मिरर के सामने ही बन रही है दूसरी बात ये उल्टी बन रही है इसको हम इन्वर्टेड इमेज कहेंगे ठीक है उल्टी बनी है साइज कैसा है इसका डिमिनिस्ड है यानी कि पहले से साइज छोटा है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से हमारा साइज कैसा है छोटा है तो ये दोनों चीज़ें हम लोग याद रखेंगे ठीक है तो ऑब्जेक्ट जब भी हमारा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होगा तो इमेज हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में देखने को मिलेगी लास्ट इमेज हमारी क्या देखती है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं तो हम सबसे पहले रे पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल रे दोनों कहाँ अगर कट करती हैं फोकस पर आकर कटती हैं ऊपर से एक रे हमने भेजी वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस पर आएगी नीचे से हमने रे भेजी वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी फोकस पर आएगी ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन्फिनिटी से आने वाली रेस को हम मानते हैं कि वो पैरेलल आती हैं ठीक है थीके? तो वो दोनों आकर कहाँ कट करती हैं वो फोकस पर आकर कट करती हैं तो जब वो फोकस पर आकर कट करती हैं तो वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म हो जाती है तो यहाँ पर भी रियल इमेज बन रही है ठीक है बिफोर द मिरर बन रही है और जो सबसे बात इसकी है कि ये इमेज कैसी है हमारी पॉइंट साइज़ इमेज है हाईली डिमनिश्ड इसे हाईली डिमनिश्ड भी कह सकते हैं और पॉइंट साइज भी इमेज कह सकते हैं इस तरीके से हमने कॉनकेव मिरर से बनने वाली छः नौ सिक्स के सिक्स इमेज के बारे में डिस्कस कर लिया है ठीक है अब इसके हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं यूजर्स पढ़ते हैं कि हम कॉनकेव मिरर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं तो कॉनकेव मिरर का यूज हम टॉर्च में करते हैं सर्च लाइट में करते हैं व्हीकल्स में करते हैं तो आप देख सकते हैं हम टॉर्च जो बनता है उसके पीछे जो सिल्वर से कलर का लगा रहता है वो बेसिकली क्या होता है वो कॉनकेव मिरर होता है इसी तरीके से जो हमारी सर्च लाइट है जो लाइट्स हम लगाते हैं सर्च लाइट होती हैं बड़ी बड़ी जो चीज़ों को सर्च करने में रात में काम आती है इसके अंदर भी हम किसको यूज़ करते हैं इसके अंदर भी हम कॉनके मिरर का ही यूज़ करते हैं और कार की जो हेडलाइट है उसके पीछे सिल्वर कलर का जो लगा रहता है मटेरियल वो भी हमारा क्या होता है बेसिकली कॉन्केव मिरर ही हमारा होता है उसके बाद कहाँ यूज़ करते हैं तो सेकंड हम यूज़ करते हैं शेविंग मिरर के अंदर आपने देखा होगा शेविंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं कॉनके मिररर का ही यूज़ करते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं डॉ डौ, डॉक्टर वगैरह हमारे टीथ वगैरह के अंदर कोई जम वगैरह है या कोई कीड़ा वगैरह लग गया है तो उसको चेक करने के लिए भी डेंटिस्ट जिस मिरर का यूज़ करते हैं वो भी हमारा बेसिकली कॉन्केव मिरर ही होता है ठीक है उसके बाद आपने देखा होगा डॉक्टर कभी कभी आप जाते हैं आ, आई साइड वगैरह दिखानी है दांतों को दिखाने तो डॉक्टर अपने सर पे एक हेड पर अपने एक मिरर लगाए रहता है वो भी बेसिकली कॉनकेव मिरर होता है तो ये कहलाता है डॉक्टर हेड्स मिरर ठीक है डॉक्टर हेड हेडमिर कहलाते है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आजकल हम डिश टी का जमाना है हम हाँ सब लोग टी देखते हैं तो हमारे घर में जो टी के लिए ये मिरर ये, ये, ये लगा हुआ है ये भी कौन सा है कॉनकेव मिरर ही है तो ये भी शेप कैसी है कॉनकेवी है कॉनकेव मिरर की कैटेगरी के अंदर आता है तो इसको भी आप याद रखेंगे कि ये भी हमारा कॉनकेवी है तो डिश एंटीना के अंदर भी हम डिश एंटीना में भी हम क्या यूज करते हैं कॉनकेव ही यूज़ करते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें सोलर फर्नेस यानी खाना वगैरह बनाने के लिए भी जो ये ट्रे टाइप में हमें दिख रही है ये भी किसकी शेप है कॉनकेव की शेप में है तो ये कॉनकेव मिररर हम बनाते हैं सिर्फ का पॉलिश करते हैं और जहाँ पर इसका फोकस होता है वहाँ पर कोई भी बर्तन वगैरह रख देते हैं तो सारी लाइट क्योंकि सन से आने वाली रेज पैलर रेज हैं तो पैलर रेज कहाँ मिलती है फोकस पर मिलती हैं तो जब वो फोकस पर मिलती हैं तो सारी की सारी हीट हमें फोकस पर मिलती है तो अगर वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो वो जल्दी ही हीटअप हो जाता है और गर्म हो जाता है ठीक है उसके बाद हम लोग अब नया फॉर्मेशन पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वैक्स मिरर के जरिए भी हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हम याद रखते हैं कि कॉन्वेस मिरर के अंदर इमेज हमें दो बार ही फॉर्म होती है एक बार इन्फिनिटी में और एक बार पोल में उसका रीज़न ये है कि कॉन्वेस मिरर की जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इमेजरी साइड की तरफ है यानी कि अंदर की तरफ है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है हम तो सिर्फ दो जगह इमेज रख सकते हैं तो इस डायग्राम के अंदर जैसे हम देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पर है और फोकस भी राइट right साइड में तो वहाँ तो हम ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते तो हम लेफ्ट साइड के अंदर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट हमने रखा कहाँ पोल और इनफिनिटी के बीच में तो जब हमने पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट की पहली वाली रेस के बारे में हम लोग पता है कि पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस डालेंगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ से आती हुई नज़र आएगी फोकस से आती हुई नज़र आएगी तो ठीक है जब हम किसे बैक साइड में लाते हैं तो कहाँ मिलती है फोकस से मिलती है इसी तरीके से सेकेंडरी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजते हैं तो रेल में तो नहीं जाती वो और रेल में तो टकरा के वापस हो जाती है मगर हमें लगता है कि वो कहाँ से आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो जहाँ पर दोनों रेस कट करती हैं फोकस वाली भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी वहाँ पर हमें क्या क्या मिल जाता है वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है ठीक है अब ये ऑब्जेक्ट हमें कैसा देखने में मिल रहा है तो पहली बात इस ऑब्जेक्ट की हम देखते हैं कि ये हमें सीधा ऑब्जेक्ट मिल रहा है ठीक है सीधे को कहते हैं इरेक्ट तो ये हमें इरेक्ट ऑब्जेक्ट इरेक्ट इमेज हमें देखने को मिल रही है दूसरी बात हम जो याद रखेंगे दूसरी बात इसकी ये है कि ये हाईली डिमिनिश्ड है साइज बहुत छोटा हो चुका है और तीसरी बात ये ये वर्चुअल है क्योंकि हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते तो तीन तरीके की हम चीजें देख पा रहे हैं कि वर्चुअल मिल रही है इरेक्ट मिल रही है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट मिल रही है ठीक है ये तीनों चीज़ें हम लोग याद रखेंगे ये कॉन्वेक्स मिरर में जब भी ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो हमें इमेज सीधी मिलती है छोटी मिलती है और वर्चुअल मिलती थी है ठीक है उसके बाद सेकंड हमने कहा रखा कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है इन्फिनिटी पर रखा तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो इफिनिटी से आने वाली रेज हमें पता है पैरेलल आती हैं अगर वो पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आती हुई नजर आएंगी फोकस से रियल में नहीं आ रही हमें कॉन मिरर में आती हुई फील होती है कि वो सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में आती हुई फील होती है कहाँ से आ रही है फोकस पर आ रही है तो हमें ऐसा लगेगा कि सारी सारी रेज फोकस से आ रही हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है फोकस पर बन रहा है अब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये कैसा है ये वर्चुअल है और पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हमारा या हाईली डिमिनिश्ड भी इसको कह सकते हैं तो ये सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन किसके जरिए हुई कॉन्वेक्स मिरर के जरिए से हुई है अब इसके कुछ हम यूजेस भी पढ़ते हैं ठीक है तो कॉन्वेक्स मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर हमारा जो मेनली यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो गाड़ी के रेयर गाड़ी के मिरर जो होते हैं व्हीकल्स हमारी जो यूज़ करते हैं कार वगैरह या बाइक वगैरह उसके जो रेयर वे मतलब दूर की चीज़ें देखने में हम यूज़ करते हैं उसी के अंदर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है तो आप इसके अंदर इसका यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं तो उसका रीज़न ये है कि हमेशा हमें सीधी इमेज दिखाई देती है और हम चाहते क्या हैं कि हमें मिरर के अंदर कभी भी उल्टी इमेज ना दिखाई दे अगर हम कॉनकेव लगाएंगे तो इमेज उल्टी हो सकती है जबकि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी हमें उल्टी इमेज नहीं दिखाई देती इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम गाड़ी के अंदर करते हैं दूसरी जो क्वालिटी है इसके अंदर वो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर से बनी हुई इमेज हमेशा छोटी होती है तो पीछे अगर हमारी बड़ी बड़ी कार्स भी चल रही हैं तो वो भी हमें कैसे नजर आएंगी वो छोटी छोटी नजर आएंगी ठीक है दूसरी बात यह है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो व्यू होता है वो वाइडर होता है काफी बड़ा फील्ड हम देख सकते हैं पीछे की पीछे काफ़ी सारा एरिया हम देख सकते हैं क्योंकि हो सकता है हमारे कार के पीछे काफ़ी सारी कार्स आ रही हूँ ट्रक आ रही हूँ जो हमारे कार से बड़े हैं ठीक है तो अगर हम इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं और सारी की सारी चीज़ आसपास की देखना चाहते हैं तो उसका इमेज भी उसका साइज़ भी छोटा होना चाहिए और उसका जो व्यू है वो भी वाइडर होना चाहिए इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ कर सकते हैं करते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मिरर हमारा यूज़ हो रहा है ये कौन सा है ये कॉन्वैक्स मिरर है हमारे ठीक है